घटिया थाना क्षेत्र के पान बिहार चौकी अंतर्गत ग्राम पारदी बड़ला में रहने वाली नाबालिग युवती ने अन्य धर्म के युवक से प्रेम संबंध टूटने से आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली राखी पिता रमेश चंद प्रजापत ने मंगलवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार राखी का पिपलाई में रहने वाले अब्दुल पिता आशिक के साथ पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों पहले राखी के भाई ने दोनों को मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया, जिसकी शिकायत अब्दुल के परिवार को भी की गई। इसके बाद अब्दुल ने राखी से बात करना बंद कर दिया, जिससे दुखी राखी ने आत्महत्या का कदम उठाया। राखी ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें आरोपी युवक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी सर, इसका कारण ये है कि मेरा क्या है कि मेरी बहन का अब्दुल नाम के एक लड़के से प्रेम संबंध था, जिसके मतलब 2 साल से था उनका से प्रेम संबंध। वो क्या है कि 3 दिन पहले इनका जो है मेरे पास मोबाइल पकड़ाया गया और अब्दुल के पिताजी को मैंने बुलाया। मैंने उनको बोला कि आपके लड़के ने ऐसा ऐसा है मैटर इनका, तो उनके पिताजी बोल रहे बोले मैं समझा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उनके पिताजी ने ये बात तो लड़की के सामने बोली थी कि मैं तेरे जैसी को तो मेरे घर में बहू नहीं बनाऊँ। फिर मैं यहाँ उज्जैन रहता हूँ, यहाँ वापस आ गया मैं समझा बुझा के, तो लड़की ने बोला कि अब्दुल को फ़ोन लगाया मम्मी के नंबर से कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, कैसे हो, क्या हो। तो अब्दुल ने बोला कि आज के बाद फ़ोन मत लगाना। हाँ, तो इसी बात से उसने विक्षिप्त होकर उसने ये कदम उठाया। जी, कुछ सुसाइड नोट भी लिखा उसने, क्या उसमें लिखा है ना? सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा है उसने कि मैं अपनी मर्जी से, मतलब मैं अब्दुल के कारण, मेरी जो सुसाइड का कारण है वो अब्दुल है, इसके कारण मैं सुसाइड कर रही हूँ। और भी कुछ लड़कियों से संबंध होने की बात सामने आई है? नहीं, हाँ वो उसमें लिखा है ना स्पष्ट, बोले कि अब्दुल ने कई लड़कियों की मतलब जिंदगी बर्बाद की है, उसमें स्पष्ट लिखा है सुसाइड में, जो कि मेरे पास मौजूद है अभी नहीं, फिलहाल मैं घर पर।